नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। प्रदेश के निर्देशानुसार भाजपा मंडल भरनों में मंडल अध्यक्ष मनोज वर्मा के नेतृत्व में गिरती कानून व्यवस्था और नक्सलियों गतिविधियों में उभार और पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक के ऊपर उग्रवादियों के हमले जिसमें वे बाल बाल बचे हैं, घटना में उनके दो बॉडीगार्ड शहीद हो गए हैं। राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं की जिम्मेवारी से मुकर नहीं सकती। इस घटना के विरोध में भरनो मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लॉक चौक भरनो में झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मुर्दाबाद 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 और हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रविंद्र सिन्हा, युवा मोर्चा प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी अमन यादव, मंडल अध्यक्ष मनोज वर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुरारी केसरी, रामनंदन साही, बिट्टू गुप्ता, जितेंद्र चौबे, शंभू केसरी, ज्योतिष केसरी, प्रमोद केसरी, पंकज सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस तरह से मनोहरपुर के पूर्व विधायक आदरणीय श्री गुरुचरण नायक जी के ऊपर नक्सलियों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया और उनके दो अंगरक्षकों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई, यह साफ दर्शाता है कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है इस राज्य में, तब से अराजकता की स्थिति राज्य में उत्पन्न हो गई है। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ राज्य के जनप्रतिनिधि जब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो राज्य की जनता अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करेगी। आज इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा प्रदेश में सभी मंडलों में हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी निमित्त आज भरनो मंडल में भी हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।